हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ वापस से डॉक्टर से मिलने के लिए। आज मेरा 7वां अपॉइंटमेंट है एक्चुअली, सो 7th फ्लोर है। और डॉक्टर से जाके आज मिलेंगे, देखते हैं क्या बोलती है डॉक्टर। और बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग भी स्टार्ट किया हूँ मैं, तो आज का दिन कैसा रहता है, डॉक्टर क्या बोलती है, जो भी है सब बताएंगे। सो चलो चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली शाम का टाइमिंग था अपॉइंटमेंट का, मैसेज तो कल ही आ गया था शाम को कि आज अपॉइंटमेंट है, तो जो टाइमिंग था वो शाम का था 7 बजे का, तो 7 बजे कौन जाएगा, इसलिए मैं पहले निकल रहा हूँ। अगर वहाँ पे वेट करना होगा आधा एक घंटा तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शाम को जाऊँगा और फिर वापस से वेट करना है तो लेट हो जाएगा, तो इसलिए पहले निकल रहा हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद देखते हैं, जो भी है आधा एक घंटा वेट करना होगा चलेगा, बट पहले जाना सही है। सो चलो चलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, ये देखो, ये मैंने कल खरीदा था इसको और आज इसका मैं उद्घाटन करने वाला हूँ। कल लिया था ये सॉक्स, सो जो फैन मैंने बंद करते हैं। सो गाइस, मैं रेडी हो गया हूँ और अभी यहाँ से निकलता हूँ और चलते हैं स्टेशन। इतनी कड़क धूप है बता नहीं सकता। ये मेरा बिल्डिंग है जिसमें मैं रहता हूँ और धूप बहुत कड़क है। और स्टेशन पहुँचने के लिए लगेगा यहाँ से मात्र 5 मिनट। 2 मशीन है, एक चालू है एक ख़राब है। ये रहा टिकट, टिकट मैंने ले लिया और अभी जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 ये है, 1 यहाँ से ऊपर। स्टेशन पूरा खाली, आज संडे है इसलिए। और टिकट मैंने ले लिया है और ट्रेन आएगी 5-10 मिनट के बाद, तो वेट करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। ये देखो स्टेशन, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं। 2 नंबर उधर है, 1 नंबर इधर है। इधर से ट्रेन आएगी और इधर जाना है। गाइस, जो सुबह का दवा था वो मैं नहीं खाया था, मेडिसिन अभी खा लेता हूँ कि मैं बाद में भूल जाऊँगा फिर। तो सुबह वाला जो मेडिसिन है जो मैं रेगुलर लेता हूँ उसको मैं खा लेता हूँ। तो गाइस, एक ट्रेन आ गई बट ये ट्रेन जो है कहीं और जाएगी, तो ये मेरे लिए नहीं है। अभी मेरी वाली ट्रेन इससे बाद आएगी शायद। सो गाइस, मुझे ट्रेन मिल गई थी और मैं जस्ट पहुंचा और अभी यहां से जा रहा हूं पैदल। यहां से लगेंगे 10 मिनट, उसके बाद पहुंच जाऊंगा क्लिनिक। सो चलो मैं यहां से निकलता हूं फटाफट क्योंकि गर्मी ज़्यादा है। सो गाइस, रास्ते में जा रहा था और यहां पे मुझे क्यूट सी कैट मिली है, दिखाता हूँ आपको। और ये रास्ते में मिली है और जैसे मैंने इसको टच किया ये रुक गई, देखो। हेलो क्यूटी, हेलो। ये देखो किधर भाग रही है, किधर भाग रही है, किधर भाग रही है। चलो निकलता हूँ, बाय 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 बाय। सो गाइस, इसको मैंने छोड़ दिया अभी और मैं यहाँ से निकलता हूँ। देखो आ रही है पीछे पीछे, कितना पीछे आएगी। उधर ही रुको, मैं जा रहा हूँ। सो मैं निकल गया हूँ उसको छोड़ के, बट उधर पीछे रुक गई, पीछे पीछे आ रही थी बट रुक गई अभी। उसको मैंने थोड़ा सा टच किया, ऐसे थोड़ा सा प्यार किया तो बहुत अच्छे से मतलब रुक गई वहाँ पे। और अभी वो पीछे है थोड़ी तरह के बाद आएगी, मतलब वो वहीं पे रुक जाएगी क्योंकि आगे मुझे जाना है, रोड है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ है क्योंकि रोड पे क्रॉस करना होता है, चोट लग सकती है। सो चलो मैं निकलता हूँ, आधे रास्ते पहुँच गया हूँ और आधा रास्ता बाकी है यहाँ से जाना। सो दोस्तों, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ क्लिनिक के पास और अभी जा रहा हूँ अंदर। सो मिलते हैं आपको डॉक्टर से मिलने के बाद। सो गाइस, मैं आ गया बाहर क्लिनिक से और मैं डॉक्टर से नहीं मिल पाया क्योंकि डॉक्टर नहीं आई थी। डॉक्टर 2-3 दिन के लिए छुट्टी पे है किसी कारण से, तो मेरा सेशन नहीं हो पाया आज। सो अभी मैं नेक्स्ट संडे आऊँगा या फिर बीच में आना होगा तो आ सकता हूँ कॉल करके। तो मैंने जस्ट हेयर थेरेपी लिया है और हेयर थेरेपी लेके बाहर आ गया हूँ।
सो गाइस गर्मी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है गर्मी, और मैं रास्ते में चल चल के आया हूँ और चल के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ रास्ते में। और यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ के नीचे छांव है और छांव के पास बैठा हूँ मैं। और यहाँ पे एक मॉल है, मॉल के बाहर हूँ, तो मैं आपको मॉल दिखाता हूँ बाहर से कैसा दिखता है मॉल। आप लोगों ने मॉल देखा ही होगा, अंदर भी गया होगा, बट ये भी देख लो। और आज सेशन तो हो नहीं पाया, तो देखते हैं अभी सेशन नेक्स्ट संडे को या फिर उसके पहले कब होता है पता नहीं। दवा है मेरे पास, एक हफ्ते के लिए बचा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। डॉक्टर शायद किसी कारण से नहीं आई, तो हो सकता है पर्सनल रीज़न होगा उनका, बट ठीक है कोई बात नहीं, होता है। तो अभी जाऊंगा मैं मॉल के अंदर, कुछ पसंद आया तो ख़रीद लूँगा, शायद कुछ पसंद आ जाए तो। सेशन तो हो नहीं पाया, सोच रहा हूँ शॉपिंग हो जाए। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बैठा हूँ और मैं आया इधर से, और यहाँ से चल के आया और यहाँ पे बैठा हूँ। सो ये बाहर का नज़ारा है और बाहर में काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, गार्डन है, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। और ये है मॉल, इनऑर्बिट मॉल, तो मैं अभी अंदर जाने वाला हूँ, जाऊँगा फ़िलहाल थोड़ा। यहाँ पे देख सकते हो ये है, ये हमारा बैग है, और काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी हरियाली है। तो दोस्तों देखा आपने बाहर का नज़ारा, काफ़ी हरियाली है यहाँ पे, गर्मी है तो हरियाली भी है और हवा भी चल रहा है, और पेड़ है, तो मैं पेड़ को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने मुझे छांव दिया है, छांव मतलब साया दिया है बैठने का। तो अभी चलते हैं मॉल के अंदर, ये रहा मॉल और ये रहा मैं। सो चलो चलते हैं, सेशन हो नहीं पाया शॉपिंग का, देखते हैं क्या होता है। ये रहा मॉल और ये रहा पिंजरा, पिंजरे के अंदर कोई नहीं है बट मॉल के अंदर आदमी बहुत है, तो हम जाएंगे मॉल के अंदर, पिंजरे में जाना पसंद नहीं मुझे। खूबसूरत सा प्लांट, गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर मॉल से, और ज़्यादा कुछ शॉपिंग तो नहीं कर पाया बट मैंने एक फेस वॉश ज़रूर लिया है। सो अभी बाहर आ गया हूँ और जा रहा हूँ वापस। मैं हूँ ट्रेन के अंदर और जा रहा हूँ वापस, काफ़ी टाइम हो गया है और अभी जा रहा हूँ वापस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।